हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज देवरानी जी का एक वीडियो आया था सुबह में, ठीक है। उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी मतलब उनके घर में कोई पूजा हो रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो रो रही थी और उनकी जो सासू माँ है उनको बहुत ज़्यादा मतलब हग कर रही थी और उनको प्यार कर रही थी, तो वो उनको संभाल रही थी। कहने का मतलब है वो उनको संभाल रही थी। और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि कोई सास अपनी बहू को इतना प्यार करे, इतना समझे, ठीक है, दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और लड़ाइयाँ तो खैर होती हैं, तो थोड़ा मन मोटा हो तो हर किसी के बीच में होता है, चाहे सास बहू हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे बहन भाई हो, हर मतलब सारे रिश्तों में जो है थोड़ी नोकझोंक होती है और होनी भी चाहिए। अगर आप अगर हमेशा प्यार रहेगा तो शायद जो है ज़िंदगी वो इतनी ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, थोड़ी नोकझोंक भी ज़रूरी होती है हर रिश्ते में, ताकि जो है नज़र ना लगे कोई भी रिश्ते को, ठीक है। तो बिहार साइड में व्रत होता है बच्चों के लिए जितिया, कुछ सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, वो बच्चों के लिए होता है। जैसे कि यहाँ होइका होता है ना, वो भी बच्चों के लिए होता है और बेसिकली होता है लड़कों के लिए। ऐसी ये व्रत है, ये भी लड़कों के लिए होता है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर ये व्रत बच्चों के लिए है तो कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही उनके घर में पूजा हो रही थी, तो पूजा में जो है कामनी भाभी और उनकी सासू माँ पूजा कर रही थी और वो पीछे बैठी हुई थी। फिर कुछ चीज़ें उनके जैसे पूजा वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो टच करी जाती हैं। फिर उसके बाद उनकी सासू माँ और जो कामनी मतलब जिठानी जी हैं, उन्होंने उन सारी चीज़ों को टच किया। उसके बाद जो है उनको उसके बाद जो उनकी सासू माँ हैं उन्होंने देवरानी जी को बुलाया और उनको बोला कि वो सूर्य भगवान के आगे जाके रख दें, ठीक है। एंड हमने भी देखा जो देवरानी जी थी, जो निक्की भाभी थी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी जिस टाइम ये पूजा हो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। उनके बीच बीच में आंसू भी आ रहे थे और उन आंसू को पोंछ रही थी, मतलब वो ये कोशिश कर रही थी कि जो उनकी सासू माँ है वो उनको ना देख लें। बट भैया ना, अगर कोई रोता है ना तो उसका जो फेस है वो अलग अलग पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब पूजा वूजा हो गई, फिर उन्होंने अपने दिल की बात बताई। अपने कहते ना, जब हम अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर कर लें तो हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। और जो ऑडियंस होती है ना, वो भी एक परिवार की तरह ही होती है, तो आदमी यही सोच के शेयर करता है, हर चीज़ शेयर करता है कि वो हमारी एक फैमिली की तरह है, वो हमें समझेंगे। बट वही है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस उनको ट्रोल करना है, उनको किसी चीज़ किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं, किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, बस उनको ट्रोल करना है तो करना है। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई। तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार ले लो आप, ठीक है, अगर हम उसको पहली बार करते हैं या उठाते हैं तो बहुत सोच समझ के उन जो त्यौहार है वो उठाया जाता है। जैसे कि किसी के करवा चौथ नहीं होता है, ठीक है, जैसे मेरे मायके में करवा चौथ नहीं होता था, मतलब मेरी मम्मी ने कभी नहीं किया करवा चौथ, बट जब चाची की शादी हुई तो उन्होंने वो त्यौहार था वो उठाया। तो उसके लिए क्या होता है, जो अपने जैसे उनके जो चाची के मायके में करवा चौथ होती थी, ठीक है, तो वो सारा सामान वो वहाँ से लेके आई थी, मतलब उन्होंने अपने मायके से जो है वो त्यौहार उठाया था। एंड जब भी कोई भी त्यौहार नया हम शुरू करते हैं, उठाते हैं, तो उसके लिए हम साल भी देखते हैं, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना, दिन, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम वो है त्यौहार उठा सकते हैं, बट कुछ कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं कि वो हम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आस पड़ोस के हमारे जो लोग होते हैं वो हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसी सी चीज़ें डाल देते हैं, तो वो ना एक डर बैठ जाता है मन में कि अगर हमने ऐसे कर लिया तो कहीं गलत ना हो जाए, तो होता है ना डर होता है कि अगर हमने ऐसे कर लिया तो ऐसा ना हो जाए, तो आदमी नहीं उठा पाता है। बट लोगों ने इस पर क्या कमेंट किए हैं कि ये मुझे पता था इसका लड़का नहीं है इसलिए ये वाला ये व्रत नहीं करेगी और इसको भी लड़का चाहिए। तो यार देखो, सीधी सी बात है, कौन है जिसको हर किसी को लड़की भी चाहिए, ठीक है, जो शादीशुदा कपल है उनको लड़की भी चाहिए, उनको लड़का भी चाहिए, ठीक है। लड़की की कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता और लड़के की कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर दोनों हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, तो क्या है, फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लड़की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लड़का भी ज़रूरी होता है। लड़की ऑलरेडी उनके पास है और वो चाहती हैं कि बेटा हो जाए, और ऐसा नहीं है, खैर उनकी एज निकल गई, आगे भगवान ने चाहा तो आगे हो जाएगा, और मेरी भी एक लड़की है, मैंने इतना मतलब मैंने ट्रीटमेंट सब कुछ कराया बट नहीं हुआ, और कहते हैं ना फिर
चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है ना वो किस्मत पे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं हम वो सारी कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर क्या, फिर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान की मर्जी होगी तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लोगों ने इस पे ऐसे कमेंट किए कि इसलिए इतना रो रही है, इसके लड़का नहीं है और लड़कियों के लिए भी व्रत रखना चाहिए, वैसे तो बहुत मॉडर्न बनेंगे कि इनको लड़का लड़की में कोई, ये लोग लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तो भाई नहीं करते हैं, एंड जो लोग उनकी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि वो लोग फ़र्क नहीं करते हैं और धनवी को कितना प्यार मिलता है। ठीक है, बट भाई है ना कि भाई चाहिए सब कुछ होता है, एंड जो छठ का त्यौहार था वो उन्होंने उठा लिया था, निक्की भाभी ने वो त्यौहार उठा लिया था। और ऐसा भी नहीं है ना कि आप हर त्यौहार अपने हिसाब से उठा सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ससुराल के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। ठीक है, हर एक में आप अपनी जिद या अपनी सहूलियत नहीं देख सकते हो कि आपकी इच्छा है, आपका मन है तो आप उस त्यौहार को उठा लोगे। कुछ आसपास के लोग जो होते हैं वो भी डरा देते हैं कि भैया अभी चीज़ मत कराओ, अभी थोड़ा टाइम ले लो, तो क्या चीज़ें वो मन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये त्यौहार है ना, उनकी सासू माँ भी चाहती हैं कि जो निक्की भाभी हैं वो ये त्यौहार उठाएं, वो करें। बट पर वही है ना, कुछ आस पड़ोस कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं वो सलाह दे देते हैं कि कोई नहीं अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ, क्योंकि अभी एज नहीं निकली है तो थोड़ा टाइम और रुक जाओ, तो उसके बाद वो त्यौहार वो कर लेंगी। देखो वही है ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। अगर उनका ये जो बेबी हुआ था अगर वो इस दुनिया में होता तो शायद वो ये जो व्रत थी वो रख सकती थी, बट भगवान को मंजूर नहीं था, तभी कहते हैं कुछ चीज़ें हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें कहते हैं जिस समाज में हम रहते हैं थोड़ा उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है, और ससुराल में जो चीज़ें होती हैं रीति रिवाज या कुछ भी हो उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। और उनकी जो सासू माँ है ना वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब जहाँ उनको लगता है कि हाँ ये इसको बुरा लग रहा होगा तो वहाँ वो उनका पूरा सपोर्ट करती हैं, उनको प्यार करती हैं, मतलब उनको ये फील नहीं होने देती हैं कि हाँ कि वो ये त्यौहार नहीं कर सकती हैं या ये वो पूजा नहीं कर सकती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया देवरानी जी ने, जब ये पूजा हो रही थी, जब कामनी जी मतलब जेठानी जी और सासू माँ जब उनकी पूजा कर रही थी तो वो किचन में काम कर रही थी, तो वो इसलिए किचन में काम कर रही थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा क्या काम है, ये बेटों के लिए पूजा होती है तो मेरा कुछ काम नहीं है। बट उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने उनको आवाज़ दी, उन्होंने कहा तू बैठ यहाँ मेरे साथ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी केयर होती है, वो क्या है आदमी को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तो उनकी जो सासू माँ ये जो छोटी छोटी चीज़ें करती है ना, तो उससे क्या है वो थोड़ा खुद को अच्छा फील करती होंगी, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा फील नहीं करती होंगी कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए पूजा नहीं कराई जा रही है या इस चीज़ के लिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, फील तो होती हैं भले चाहे उनकी सासू माँ ने कितना भी प्यार किया हो, लेकिन हाँ उनके मन में भी जो देवरानी जी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती होंगी कि बट वही है ना कि उनका मन भी करता होगा ये पूजा करने के लिए, और क्यों नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि वो लड़का नहीं है इसलिए पूजा नहीं कर सकती हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके जो ससुराल में है और कुछ जो पास पड़ोस हैं उन्होंने जो मतलब कुछ लोग बोल देते हैं ना कि थोड़ा टाइम रुक जाओ क्योंकि नया काम है वो करते नहीं हैं, तो इसी चक्कर में उन्होंने वो पूजा है वो नहीं उठाई है, वो जो त्यौहार है वो नहीं उठाया है। ऐसा नहीं है कि लड़की है इसकी वजह से नहीं किया है, नहीं नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, पूजा पाठ का जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा संभल के करना पड़ता है, और ये जो पूजा होती है ना पितरों से रिलेटेड पूजा होती है, तो ये वो जो पूजा है बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है और बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, मतलब कुछ भी चीज़ें इधर उधर ना हों। तो बट वही है ना, लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती और लोग बस सीधा यहाँ जज करने आ जाते हैं कि इसके पास लड़का नहीं है इसलिए इसने ये पूजा नहीं की। और सबको सब चाहिए होता है, सबको लड़की भी चाहिए, सबको लड़का भी चाहिए, लड़की की कमी है वो भी कोई पूरी नहीं कर सकता, लड़के की कमी है वो भी कोई पूरी नहीं कर सकता, लड़की की अपनी अलग अहमियत होती है और लड़की की अपनी एक अलग अहमियत होती है, लड़के की अलग अहमियत होती है। ठीक है, तो गाइस किसी को अगर कोई इतना इमोशनल हो रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा है, तो प्लीज़ उसका मजाक तो मत बनाओ कम से कम उसके, और वो आपको अपनी फैमिली समझ के ही आपसे ये सारी चीज़ें बोल रहा है। और आप ये देखो कि वो मतलब इसका रीज़न क्या है, आपने सीधा अगर वो रो रही है तो आपने सीधा ये सोच लिया कि इसके पास लड़का नहीं है इसलिए रो रही है, इसको इसलिए इसने ये व्रत नहीं रखा। नहीं, ये व्रत जो है ऐसे नहीं उठाया जा सकता, छठ उन्होंने उठा ली बट ये पूजा वो ऐसे नहीं उठा सकती है, जो त्यौहार है वो ऐसे नहीं उठा सकती हैं, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
ठीक है, उनकी जो फैमिली है बाकी बहुत अच्छी है, उनकी जो सासू माँ है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जहाँ भी लगता है कि उनकी बहुओं को उनकी जरूरत है वहाँ वो हमेशा तैयार रहती है, मैंने ये चीज़ देखी है। और भगवान सबको ऐसी सासू माँ दे, और बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसी चीज़ देख के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।